कैसा एक्सपीरियंस अब तक का रहा रामन सिंह के? बस सांस यहाँ पे है। किस वजह से? बस के साइज को देख के और रोड के साइज को देख के। फाइनली हम रामबन से चल के कैंठी की मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं इस बस के थ्रू। रामबन से अगर कैंठी तक की बात करेंगे तो अराउंड 15 किलोमीटर्स का ये सफ़र है। रोड काफ़ी कंजस्टेड है, इस बस के साइज़ को देख के अगर बात की जाए तो रोड को वाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं रोड दिखाता हूँ, यहाँ बिल्कुल फिक्स रोड है। बस के थ्रू जो है अपने विलेज की ओर जा रहा हूँ। SRTC बस है और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है, इसको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। तो बस जो है यहाँ कुछ ही टाइम से SRTC की जो सर्विसेज हैं वो रामबन से कैंठी तक शुरू हुई है। हालांकि मुझे उधर से आगे भी जाना है, तो देखते हैं कैसा रहेगा आगे का सीन। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। रोड बिल्कुल फिक्स है और इसमें बस का चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ही इज़ माई फ्रेंड मिस्टर पवन सिंह फ्रॉम कैंठी। कैसे हो पवन? बहुत बढ़िया। वेलकम है मेरे चैनल पे पहली बार। थैंक यू। तो आज हम, मुझे लगता है आप भी पहली बार ही बस में बैठे हैं। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। कैसा एक्सपीरियंस अब तक का रहा रामबन से? बस सांस यहाँ पे है। किस वजह से? बस के साइज को देख के और रोड के साइज को देख के। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? थोड़ा बहुत रोड प्रोवाइड करें, अगर इतनी बड़ी बस लगाई है इस रोड पे। हाँ, आने वाली अगर इस बस के लिए देखा जाए तो 18 फीट तो होना ही चाहिए रोड, 18 ये तो सारा 10 फीट भी नहीं होगा रोड। बिल्कुल, तो वाइड करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप बस देख सकते हो एकदम फुल है और हमारे फुलेल भाई भी है। फुलेल भाई क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट ने एक अच्छी सहूलियत दी हम लोगों को। खुश हो इस सहूलियत से? बस एकदम खुश है, मगर गवर्नमेंट को थोड़ा रोड के बारे में सोचना चाहिए। रोड का मुझे लगता है थोड़ा वाइडनिंग जरूरी है क्योंकि फिक्स रोड है। आप इससे थोड़ा पीछे चप्पल तक भी लगा लीजिए। हाँ, ये कैंटी आधा रास्ता ही है, हम बिल्कुल पैदल जाना पड़ता है। बिल्कुल, हम लोग चब्बा के रहने वाले हैं। चब्बा के रहने वाले हैं, हमें कुछ सजेस्ट अगर कैंटी वाले को मिल सके तो हमें क्यों नहीं मिल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कैंठी से पीछे जाने का जो मेन रीज़न है वो रोड ही है, क्योंकि रोड वाइड नहीं है। काम है ना वो हमारा। हाँ, तो हम सभी यही चाहेंगे कि यहाँ रोड को वाइड किया जाए ताकि बस के जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। अभी भी आप अगर कोई भी करू लेके चले यहाँ पे तो बस को 2-3 बार टर्न लेना पड़ता है, फिर जाके मोड़ से निकलती है। मैं आपको बाहर फिक्स रोड है, टोटली फिक्स्ड रोड है यहाँ पर और बहुत मुश्किल से बस जो है आगे जाती है। बस इस रोड को वाइड करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो यहाँ के फेयर की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या लगता है, 50 रुपीज़ कैंठी तक ठीक है? हाँ, है तो 35 रुपये। चलो 35 का टिकट कट रहा है, 50 काट रहे हैं। अच्छा, 35 का ही टिकट कट रहा है, तो 50 रुपीज़ चार्जेस करते हैं यार। दिखा लेता हूँ, पता नहीं क्या ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितना कटता है उतना ही लेने चाहिए, है ना? क्योंकि कैंठी तक मुझे लगता है सिर्फ 15 किलोमीटर ही आता है, 13 आता है। आपका नाम? नितिन चाड़क। कहाँ के रहने वाले हो? हम पीड़ा से। पीड़ा? पीड़ा, तो यहाँ कैसे? यहाँ मासी घर है। अच्छा, मासी घर कहाँ पे? शाकरन, कैंठी से थोड़ा ऊपर। ठीक ठीक, सामने आपको कैंठी पंचायत का ये बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ से आगे कैंठी की पंचायत शुरू हो जाती है और इसके ऊपर हमारे लेफ्ट साइड से जो है पल्ली का रोड निकलता है, डमोद बी में वो एरिया आ जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप रोड का साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही कंजस्टेड रोड है। हालाँकि आज के अगर वेदर की बात करेंगे तो एकदम औसम है। हम रामबन से तकरीबन 3:20 PM पे निकले थे, अभी 4:20 PM हो चुका है, 1 आवर हमें हो चुका है यहाँ तक। अभी भी हम कैंठी से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर हैं। तो कैंठी तक का अगर हम सफ़र देखें तो इस बस के थ्रू उतना अच्छा नहीं रहा। पर्सनली मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। हालाँकि बस जो है अराउंड 1 मंथ से इस रूट पे चल रही है
कैंठी से रामबन। और ऐसा सुनने में आया है कि कैंठी से पीछे जो रोड जाता है डमोत और गनोत पंचायत में, वहाँ के लिए भी एक बस जो है सेंक्शन की गई है SRTC की ही, लेकिन अभी तक वो वहाँ पे हमें चलती हुई नज़र नहीं आई है। इन फ्यूचर हो सकता है कि नज़र आ जाए। रीज़न यही है कि क्योंकि रोड जो है बहुत ही कंजस्टेड है, और जहाँ पे कर्व होता है यानी कि जहाँ पे मोड़ होता है, तो मोड़ काटने के लिए गाड़ी को 2 से 3 टर्न लेने पड़ते हैं, तब जाके गाड़ी मुड़ती है, क्योंकि बस का थोड़ा लंबा साइज़ है। उतना भी नहीं है, हालांकि मीडियम साइज़ की ही ये बस है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, आप खुद ही देख सकते हैं रोड, इसका टायर रोड के बिल्कुल एंड पॉइंट पे है। अगर अपोजिट साइड से कोई व्हीकल आती है तो फिर उसको साइड देने के लिए यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो इस तरह का ये रोड है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको वाइड किया जाए ताकि बस के चलने में कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि रोड ठीक ही है, यहाँ आप देख सकते हैं अपोजिट साइड से एक स्कूटी वाला आ रहा है और इसको भी बिल्कुल बाहर खड़ा करना पड़ा, तब जाके बस क्रॉस हुई। तो आप सोचिए अगर 4-व्हीलर आ जाए तो फिर तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाएगी, वापस जाना पड़ेगा, और जहाँ पे स्पेस थोड़ा होगा वहाँ पे हमें साइड मिल सकती है। कैंठी सामने आपको देखने को मिल जाएगा, और मेरे साथ कुछ लोग भी थे जिनसे मैंने बात की है थोड़ी बहुत। सब लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे तो बस सर्विसेज शुरू की गई हैं, लेकिन रोड की कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं है। वैसे तो रोड अच्छा है, लेकिन बस के लिए थोड़ा इसको वाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फाइबर डाली गई है जियो की तरफ से यहाँ रोड के बिल्कुल साथ साथ से वो डाली गई है, और रोड की जो वाइडनिंग थोड़ा बहुत थी भी वो भी ख़त्म हो गई है, और जो ड्रेनेज सिस्टम होता है रोड के लेफ्ट साइड में हमारे, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कहीं भी आपको ड्रेनेज नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल गलत तरीके से फाइबर को यहाँ पे इन्होंने डाला है ज़मीन के अंदर रोड के बिल्कुल साथ साथ से, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम होता है यानी कि जो नाली होती है रोड के साथ साथ, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आपको रामबन से लेके अगर हम गनोत तक की बात करेंगे तो कहीं पे भी आपको ड्रेनेज नहीं देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम 5G की बात करेंगे तो अभी तक भी वो शुरू नहीं हुआ है, पिछले 1-2 साल से यहाँ पे उसका काम जारी है, जो फाइबर डाला जा रहा था उसके लिए पाइप्स वगैरह पहले बिछाई जाती है और फिर उसके अंदर से फाइबर की केबल डाली जाती है, तो वो काम अभी भी पेंडिंग ही है। हम पहुंच चुके हैं जी कैंठी की मेन मार्केट में। अराउंड 1 आवर एंड 20 मिनट्स हमें रामबन से यहाँ तक इस बस में लगे, हालांकि अगर हम दूसरी किसी व्हीकल में आते जो कि पहले से यहाँ चलती हैं टाटा सुमो वगैरह, तो उसमें हमें 45 मिनट्स तक ही लगते थे, लेकिन ये बस है और काफ़ी लंबा साइज़ है इसका, और इस रोड पर चलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। तो हम अब पहुंच चुके हैं कैंठी की मेन मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग थे इस बस के अंदर और मैं भी था। हम यहाँ से उतर चुके हैं, लोड कोई ज़्यादा नहीं था इसमें, मेन सीट्स जितनी थी उतने ही लोग थे, ज़्यादा यहाँ पे ओवरलोडिंग तो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली है। तो एक अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ तक बस सर्विसेज आई। तकरीबन 10-12 साल तो हो गए रोड को यहाँ पहुँचे हुए, लेकिन आपको ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल देखने को मिलेगा। कैंठी की ये मेन मार्केट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड के बीचों बीच इतना बड़ा गहरा जो है दरिया पानी का आपको देखने को मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ को फिक्स किया जाना चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम को ओके बनाना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे रोड काफ़ी ज़्यादा फिक्स है उसको वाइड किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।